हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर कार्य बल और ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, एक 200 ग्राम द्रव्यमान का पिंड गुरुत्वीय बल के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रहा है। पिंड पर कार्यरत बल तथा 10 सेकंड पश्चात पिंड की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमको पहले दे रखी है वो चीज़ लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है वो लिख लें। तो हमको दे रखा है यहाँ पर मास, द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम। इस 200 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम, क्योंकि हमको सारी यूनिट्स SI यूनिट्स में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पर टाइम दे रखा है t=10 सेकेंड। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले तो आपको निकालना है पिंड पर कार्यरत बल, मतलब F निकालना है। F बराबर क्या होता है, ma होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए क्या है, त्वरण है। यदि ये साधारण त्वरण की जगह गुरुत्व त्वरण यूज किया जाए तो यहाँ पर ये जो गति हो जाएगी ये गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जगह हम mgb लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह हम gb लिख सकते हैं। तो F=mg हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे, m का मान हमारे पास में 0.2, g की वैल्यू है 9.8। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हम तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 × 2 = 16, असल की 1, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, 1 और 1 = 2। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन। इतना तो हमारे यहाँ पर बल निकल के आया। दूसरा हमको क्या निकालना है, 10 सेकंड पश्चात पिंड की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा के लिए हमको देखो, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/2 mv². यहाँ पर हमको वी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जब वी की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। तो गति के समीकरण क्या होता है, V = u + at। इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में ये जो वस्तु है ऊपर से स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिर रही है, लिखा हुआ है ना, स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिर रही है। इसका मतलब u की वैल्यू 0 है, v का मान हमको निकालना है, इसकी वैल्यू 0 प्लस a का मान क्या हमारे पास में, a की जगह क्या यूज करेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण g यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर इसकी जगह मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 है ना, और t की वैल्यू हमारे पास में 10 सेकेंड। ठीक है, तो V = क्या हो जाएगा, 98.0, ये क्या हो जाएगा, m/s। ये हमारा वेग निकल के आ गया। अब हमको निकालनी है इसकी गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला मैं पहले आपको इसलिए लिख चुका था ताकि हमको पता चल सके कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो E = 1/2 mv², तो 1/2 m की वैल्यू हमारे पास में है 0.2 kg और v की वैल्यू है 98 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 2 से 2 कट जाएगा 0.1 और 98 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, इसको आपको करना है कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर मेरे पास में मेरा खुद का है, आप खुद भी कैलकुलेटर लेके आए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मेरा खुद का कैलकुलेटर ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैं यहाँ पर ये सारी इसका सॉल्यूशन करता हूँ। 1/2 × 0.2 × 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आती है 960.4। गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल। ये हमारे पास में जूल में निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जूल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दो भाग थे इसके, हमने दोनों कर लिए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न भी करेंगे हम। देखिए दूसरा प्रश्न, एक इंजन 10 kW ऊर्जा उत्पन्न करता है, इंजन द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान को 20 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर समय निकालना है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दे रखी हैं उनको लिख लें।
ठीक है। देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, शक्ति दे रखी है 10 किलोवाट। किलोवाट को मैं लिख देता हूँ 10×10³ वाट, ठीक है। वाट को हम जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं। दूसरा हमको दे रखा है इंजन द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब एम का मान दे रखा है 100 kg। उसके अलावा हाइट दे रखी है यहाँ पर h = 20 मीटर, ये चीज़ें तो हमको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर निकालना क्या चाहते हैं, समय निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास में समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे शक्ति, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, समय का। तो यहाँ पर हम पहले कार्य निकालेंगे, शक्ति हमको दी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य निकाल लेते हैं। कार्य बराबर क्या होगा, ऊर्जा। कार्य बराबर ऊर्जा होती है, ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, mgh, स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पर m का फॉर्मूला हमारे पास में है 100 kg, g की वैल्यू है 9.81 और h की वैल्यू है हमारे पास में 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप चाहें तो इस वैल्यू को 10 रख सकते हैं, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर 10 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह से न्यूमेरिकल में बोल रखा है कि इस कंडीशन में आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 20×10³, ठीक है, ये हो जाएगा जूल, ठीक है। और हमको शक्ति दी हुई है, ये दे रखी है, हमको निकालना क्या ओवरऑल समय, तो समय का फॉर्मूला ये लिख रखा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, समय बराबर कार्य बटे शक्ति। देखो कार्य दे रखा है 20×10³ बटे, यहाँ पर हमको शक्ति दे रखी है 10×10³10³ से 10³ काट दो, 20 में अगर 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 समय, ठीक है। 2 मतलब क्या है, समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेकेंड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है, इसलिए जो शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं 10 उनमें से इस तरह के प्रश्न पूछ जाने की एक संभावना है, ठीक है। तो ये प्रश्न करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमको दे रखा है प्रश्न में 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में से 4 m/s² का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर हमको दे रखा है द्रव्यमान, m की वैल्यू दे रखी है 5 kg, उसके अलावा यहाँ पर त्वरण a की वैल्यू दे रखी है 4 m/s², ठीक है। यहाँ पर आपको बल की आवश्यकता है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, ठीक है। m आपके पास में 5 है और इसकी वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई करने पर आता है 20। f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या फिर अगर आप न्यूटन की जगह लिखना चाहो तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो क्या क्या चीज़ मल्टीप्लाई में है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रश्न हो गया, अब आगे एक प्रश्न और करते हैं। चलो इसे 20 ग्राम अरे यार छोरी चुप कर लो। देखिए अगला प्रश्न, 200 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई 0.4 सेकंड में रुक जाती है, औसत बल याद कीजिए, मतलब एक खिलाड़ी इस बॉल को रोक लेता है और टाइम कितना लेता है, 0.4 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दे रखी है, वो सारी चीज़ें आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर आपको एम की वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम, ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है 0.2 kg होगा ये। यहाँ पर आपको यहाँ पर वेग दे रखा है v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है 0.4 सेकेंड, आपको निकालना क्या है, औसत बल। औसत बल के लिए यहाँ पर बल निकालना है आपको, तो यहाँ पर F=, क्या होता है, ma होता है। इसके लिए आपको m तो दे रखा है लेकिन a आपको निकालना है। a निकालने के लिए हम करेंगे गति के समीकरणों का उपयोग, ठीक है।
तो यहाँ पर गति के समीकरण से, गति के समीकरण से देखो गति का समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। इसके अंदर देखो दोनों तरह के वेग है, त्वरण है और समय। समय आपको दे रखा है, ठीक है, आपको एक वेग दे रखा है और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, इसका शुरुआत में जो चलता हुआ वेग आ रहा है, प्रारंभिक वेग है उसका 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हम ये मान लीजिए कि ये हमको प्रारंभिक वेग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अंतिम वेग जीरो है क्योंकि बॉल रुक जाती है, ठीक है। आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू निकल के आएगी। मतलब आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर v, u को इधर लाएंगे तो u, t नीचे आएगा तो t, यहाँ पर बचेगा केवल a। आपको एक ही वैल्यू निकालने के लिए आप इसका मान रखेंगे तो 0 माइनस u की वैल्यू है 20 बटे t की वैल्यू कितनी है 0.4, तो यहाँ पर a निकल के आएगा, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 पंजो 20, 5 बढ़ गया लेकिन नीचे पॉइंट होने की वजह से ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बल। बल का फॉर्मूला होगा बल F इक्वल टू एम ए, तो एम आपके पास में 0.2 इंटू 50, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना माइनस, इसलिए ये माइनस लगता चला जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा माइनस, तो गुणा करने पर क्या होगा 5 × 10.0, तो ये आ गया 10 माइनस का न्यूटन। मतलब यहाँ पर जो औसत बल निकल के आएगा वो -10 न्यूटन होगा। ये -10 न्यूटन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वस्तु रुक रही है, यहाँ पर बल अपने आप महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बल खिलाड़ी के द्वारा लगाया जा रहा है, ये बल खिलाड़ी को खुद को महसूस हो रहा है, खिलाड़ी के ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए ये बल ऋणात्मक आया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम 4 सवाल ही करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, थैंक यू।